हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा। आज हम अपनी एचएस लक्ष्य 2020 सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम एचएस प्रीलिम्स 2020 के लिए इम्पोर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए सो डेट आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। और आप इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्टेट इन इंडिया हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। हमें स्टेट्स के कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं नीचे, एंड हमें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक, और ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज, इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज एरिड एंड सेमी एरिड। ये ऐसी स्टेट है जिसका जो नॉर्दर्न एरिया है वो एरिड एंड सेमी एरिड है। सेकेंड इज, इट्स सेंट्रल पार्ट प्रोड्यूसेस कॉटन। सेंट्रल पार्ट में कॉटन प्रोड्यूस की जाती है। थर्ड इज, कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स इज प्रीडोमिनेंट ओवर फूड क्रॉप्स। कैश क्रॉप की कल्टीवेशन ज्यादा होती है देन द फूड क्रॉप्स। तो आप बताओ कि कौन सी स्टेट है जिसमें ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। ऑप्शन दी गई है आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। बिकॉज गुजरात का जो नॉर्दर्न एरिया है वो क्या है, एरिड एंड सेमी एरिड, जहाँ पे प्रेसिपिटेशन कम होती है, और इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो कॉटन प्रोड्यूस करता है। एक्चुअली गुजरात में 30% ऑफ द टोटल कॉटन प्रोडक्शन इन द कंट्री जो है वो गुजरात में ही होती है। लास्ट ईयर ये काफी न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे पिंक बॉलवर्म जो कि एक पेस्ट है, इसका अटैक हो गया था क्रॉप के ऊपर, तो जिसकी वजह से कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो कम बताई जा रही थी। तो ये फैक्ट भी याद रखना आपने, कॉटन के ऊपर किस कौन से पेस्ट का अटैक हुआ था, पिंक बॉलवर्म का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ओजोन होल के ऊपर है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन द एंटार्क्टिक रीजन हैज बीन अ कॉज ऑफ कंसर्न। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस होल। एंटार्क्टिक रीजन में जो ओजोन होल की फॉर्मेशन हो रही है वो चिंता का विषय है। तो आपने बताना है कि इस होल की फॉर्मेशन का रीजन क्या है। ओजोन होल का मीनिंग क्या है, ओजोन होल का मीनिंग होता है रिडक्शन इन ओजोन अबव अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। मीन्स कोई होल नहीं हो रहा है, मीन्स ओजोन की जो लेयर है वो पतली होती जा रही है, रिडक्शन हो रही है ओजोन में, तो उसको बोलते हैं ओजोन होल। एंड इसे एक्सप्रेस किया जाता है डॉब्सन यूनिट्स में, ये भी इंपॉर्टेंट है, डॉब्सन यूनिट DU लिखते हैं इसको। और जो इसका मोस्ट प्रोमिनेंट डिक्रीज है वो कहाँ पे है, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन डिप्लीशन जो है वो किससे रिलेटेड है, पोलर वॉर्टेक्स से रिलेटेड है, एंड फॉर्मेशन ऑफ द पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, और जिनकी फॉर्मेशन आर्कटिक एंड एंटार्कटिक रीजन में ज्यादा होती है, और वहां पे ये हमें ओजोन होल देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स क्या होते हैं। इन्हें नेक्रियस क्लाउड्स या फिर मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड्स भी बोला जाता है। दीज कॉन्स्टिट्यूट वाटर, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। और PSCs का जो सरफेस होता है वो कैसे एक्ट करता है, एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है, विच कन्वर्ट क्लोरीन इनटू द एक्टिव फ्री रेडिकल्स। क्लोरीन को क्या करता है, एक्टिव फ्री रेडिकल्स में चेंज कर देता है, जैसे कि क्लोरीन मोनोऑक्साइड में। और जब स्प्रिंग सनलाइट होती है दीज रेडिकल डिस्ट्रॉय मेनी ओजोन मॉलिक्यूल्स। और स्प्रिंग सनलाइट के टाइम पे ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके अलावा ये क्लाउड जो है वो नाइट्रिक एसिड गैसेस को रिमूव कर देते हैं स्ट्रेटोस्फीयर से, जो कि अदरवाइज कंबाइन करती है विद
क्लोरीन मोनोऑक्साइड से ताकि लेस रिएक्टिव फॉर्म ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस हो पाए। तो ये पोलर वॉर्टेक्स, पोलर फ्रंट, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड जो सबसे बड़ा रीजन है वो है मैन मेड रीजन, मीन्स ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ODS भी बोलते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जैसे कि हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स, प्रोपेलेंट्स एंड फोम ग्लोइंग एजेंट्स होते हैं जो जैसे क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइसेस की, उनमें पाए जाते हैं। तो ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन से हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, ये फ्री क्लोरीन एटम्स को प्रोड्यूस करते हैं जो क्या करते हैं? ओजोन की डिप्लीशन करते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से रीजन हुए हैं ओजोन होल के लिए? पोलर वॉर्टेक्स, पोलर फ्रंट, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसको ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो चलिए हम अपने ऑप्शंस में चेक करते हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट ट्रोपोस्फेरिक टर्बुलेंस एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो ट्रोपोस्फेरिक टर्बुलेंस की बात नहीं हुई है। सेकेंड इज प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। यस, ये सारे पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस करे हैं, तो इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, बाकी के सारे आंसर भी चेक कर लेते हैं। एबसेंस ऑफ पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी हमने कहा है कि पोलर फ्रंट के साथ रिलेटेड है, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड के साथ रिलेटेड है, तो ये क्या है? ये ऑप्शन नहीं है। इंक्रीज टेम्परेचर एंड पोलराइजेशन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या बनता है? इट्स ऑप्शन टू, प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स। रिसेंटली साइंटिस्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आर्कटिक में बहुत बड़ा ओजोन होल पाया गया था एंड रीजन वॉज द पोलर वॉर्टिक्स। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था कि ये जो होल है वो क्लोज हो गया है, तो रीजन ये बताया जा रहा था पहले कि COVID-19 की वजह से जो पोल्यूशन ड्रॉप है वो कम हो गया है, लेकिन साइंटिस्ट ने ये कहा है कि ये पोल्यूशन कम होने की वजह से नहीं है, COVID-19 इसका रीजन नहीं है, ये पोलर वॉर्टिक्स की वजह से ही हुआ था और उसकी वजह से ही क्लोज हो गया है। तो ये अभी अभी न्यूज में भी था और इम्पॉर्टेंट है, हमेशा से इम्पॉर्टेंट भी है। और अगर हम अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट असेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लीशन डाटा 2018 देखें, तो ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर में वो रिकवर हो रही है एट द रेट ऑफ 1-3% पर डिकेड सिंस 2000। और अगर ऐसे देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंड मिड लैटिट्यूड में ओजोन रिकवरी हो जाएगी 2030 तक, और अगर सदर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो 2050 तक रिकवर हो जाएगी, और अगर हम पोलर रीजन की बात करें तो जो ओजोन रिकवरी है वो 2060 तक कंप्लीट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स? एस्ट्रॉइड्स के ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं जब हमने न्यू वॉइस एस्ट्रॉइड के ऊपर लेक्चर तैयार किया था, तो आप एस्ट्रॉइड को डिटेल में वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट इज एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड्स व्हाइल कॉमेट्स आर फॉर्मड ऑफ फ्रोजन गैसेस हेल्ड टुगेदर बाय रॉकी एंड मेटालिक मटेरियल। यस, दिस इज करेक्ट। एस्ट्रॉइड जो है वो स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड्स की तरह होते हैं, जबकि कॉमेट्स क्या है? फ्रोजन गैसेस की तरह होते हैं जो कि हेल्ड होते हैं रॉकी एंड मेटालिक मटेरियल से। सेकेंड इज एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड मार्स। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। आगे देखते हैं, व्हाइल कॉमेट्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन वीनस एंड मर्करी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कॉमेट्स फाइंड होते हैं बिटवीन वीनस एंड मर्करी के बीच में, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। थर्ड वन इज कॉमेट शो परसेप्टिबल ग्लोइंग टेल व्हाइल एस्ट्रॉइड्स डू नॉट। यस, दिस इज करेक्ट। जो कॉमेट्स होती है उनकी एक ग्लोइंग टेल नजर आती है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? ऑप्शन 1 and 3। आंसर इज ऑप्शन 2। फर्दर एस्ट्रॉइड के ऊपर डिटेल के लिए आप हमारी नियो वाइज कॉमेट के ऊपर जो वीडियो है वो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पूछा है, तो इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है?
पीएम जो होता है वो क्या होता है, रियल हेड होता है, ना कि प्रेसिडेंट. देन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है टू द लोकसभा. इसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं वो बोथ लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव होते हैं. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लीडर कौन होता है, पीएम. और ये जो लोकसभा होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में, इसको डिसॉल्व किया जा सकता है. और कैसे, प्रेसिडेंट डिसॉल्व करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. की रिकमेंडेशन के बाद प्रेसिडेंट इसको डिसॉल्व कर सकता है. तो चलिए देखते हैं हमें ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है. लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. तो दिस इज द वन ऑफ द फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. इसके जो आंसर है वो है ऑप्शन 4. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. तो आपको इसके फीचर्स पता होना चाहिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के फीचर क्या होते हैं, फेडरल के फीचर्स क्या होते हैं, ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाए अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से मार्क कर पाए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. When a bill is referred to a joint sitting of both the houses of parliament, it has to be passed by. Joint sitting क्या होता है, चलिए डिस्कस करते हैं. joint sitting होता क्या है, joint sitting होता है कि कई बार deadlock create हो जाता है between the houses, लोकसभा एंड राज्यसभा में, over the passage of bill. तो ऐसी situation में प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को समन कर सकता है और ज्वाइंट सिटिंग रख सकता है दोनों हाउसेस की. तो इसके डेडलॉक कौन कौन से बेसिस पे हो सकता है वो देख लेते हैं. अगर एक हाउस ने बिल पास कर दिया और वो जब दूसरे हाउस में गया तो दूसरे हाउस ने बिल को रिजेक्ट कर दिया, फर्स्ट तो ये हो गया. अगर हाउसेस फाइनली डिसएग्री करते हैं ओवर द अमेंडमेंट टू बी मेड इन द बिल, तब भी ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है. थर्ड है, अगर एक हाउस में मोर देन 6 मंथ के लिए बिल पड़ा रहता है और पास नहीं किया जाता तो तब भी ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है. सो ये 3 सिचुएशंस हैं जिसमें प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है. इसके साथ ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ज्वाइंट सिटिंग है वो किस किस के ऊपर नहीं हो सकती है, मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. This is very important, money bill and constitutional amendment bill के ऊपर joint sitting नहीं रखी जा सकती. और जब joint sitting में bill चला जाता है तो इसको कौन सी majority से pass कर दिया जाता है, simple majority से pass कर दिया जाता है. majority of the total number of members of both the houses present. तो चलिए देखते हैं अब इसका answer क्या होगा. First is a simple majority of members present and voting, 3/4 majority of members present and voting, 2/3 majority of the houses, absolute majority of the houses. No, it's only a simple majority of the members present and voting. The answer is option 1. तो आप लोगों ने सिर्फ ये ही नहीं पढ़ना है कि बिल पास होने के लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए होती है, ज्वाइंट सिटिंग को डिटेल में पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी हो सकता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन. अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर इंक्रीज करना हो तो ये पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, पार्लियामेंट के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या लॉ कमीशन के पास. तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इंक्रीज करना तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या लॉ कमीशन तो नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट. तो इसका जो आंसर है वो है पार्लियामेंट. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट. तो ये क्वेश्चन भी पूछते हैं. और अगर इंक्रीज करना है जजेस की नंबर्स को तो वो कौन कर सकता है, पार्लियामेंट इंक्रीज कर सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेडक्लिफ कमिटी वॉज अपॉइंटेड. वेरी फेमस क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. रेडक्लिफ जो थे वो ज्वाइंट चेयरमैन ऑफ द टू बाउंड्री कमीशन ऑफ द टू प्रोविंसेस, इट इज इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो था उनके क्या थे, वो चेयरमैन थे. तो ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्रीज बनानी थी उसके ऊपर जो कमेटी बिठाई गई थी वो थी रेडक्लिफ कमेटी. तो इसका आंसर ऑप्शन 3, डीलिमिट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन मेडिवल इंडिया द डेजिग्नेशंस महात्रा एंड पटकिल वर यूज्ड फॉर. तो
डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशन जो है वो काफी सारी पूछ लेते हैं मेडिवल इंडिया में डिफरेंटली कैसे किसको क्या बुलाया जाता था. तो ये क्वेश्चन कॉमन है एग्जाम में. तो यहाँ पे हमें मात्रा एंड पटेल के बारे में पूछा हुआ है. तो ये जो थे इनको मेडिवल इंडिया में ये कौन लोग थे, ये होते थे विलेज हेडमैन. इसका जो आंसर है वो ऑप्शन टू विलेज हेडमैन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलमकारी पेंटिंग रेफर्स टू. कलमकारी पेंटिंग जो है इसके बारे में आपको बताना है. देखिए ये कलमकारी पेंटिंग ही है. इसको कॉटन या फिर सिल्क के ऊपर किया जाता है. इसे टैमरिंड पेन के थ्रू नेचुरल डाइज यूज करके बनाया जाता है. अगर हम देखें कलमकारी, कलम का मीनिंग होता है पेन, कारी का मतलब होता है क्राफ्टमैनशिप. और इस पेंटिंग में क्या क्या फेमसली यूज होता था, फ्लावर्स, पीको, डिवाइन कैरेक्टर्स जो होते थे महाभारत और रामायण के वो बनाए जाते थे. तो अगर अभी देखें प्राइमरली दीज आर डन टू क्रिएट द कलमकारी साड़ीज के ऊपर बनाया जाता है. मुगल एरिया के टाइम पे इस पेंटिंग को रिकॉग्निशन मिला था और इस आर्ट को गोलकोंडा कोरोमंडल कोस्ट एरिया में इसको एनकरेज किया गया था और फर्दर मछलीपट्टनम एरिया में एंड बेसिकली आंध्र प्रदेश में इसको क्या किया गया था, काफी ये वहां पे फेमस हो गई थी. तो क्वेश्चन में देखे तो इसका आंसर क्या हो सकता है, एक तो ये बेसिकली साउथ इंडिया में थी तो हमारे पास ऑप्शंस में फर्स्ट में साउथ इंडिया है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो ये भी नहीं हो सकता है, हिमालय रीजन भी नहीं है, नॉर्थ वेस्टर्न भी नहीं है. तो क्वेश्चंस को पढ़ भी लेते हैं ऑप्शंस को. अब हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया, यस हैंड पेंटेड है, कॉटन टेक्सटाइल है. हैंडमेड ड्रॉइंग ऑन बैम्बू, बैम्बू के ऊपर तो नहीं है. अब ब्लैक पेंटेड, ब्लैक भी नहीं है. वुलन क्लॉथ के ऊपर तो नहीं है. हैंड पेंटेड डेकोरेटेड सिल्क क्लॉथ इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, तो फर्स्ट एंड फोर्थ मिलते जुलते थे लेकिन ये कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे. बट हमने अभी पढ़ा कि कलमकारी पेंटिंग कहाँ पे ज्यादा एनकरेज की गई थी, कहाँ पे ज्यादा पे फेमस थी, साउथ इंडिया में. तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन वन, हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगेन ये रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ ही लेते हैं. ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. तो इसका जो आंसर है वो है IMF. IMF जो है वो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट तैयार करता है. कौन तैयार करता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, IMF. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द कमर्शियल बैंक्स इन मैटर्स ऑफ. आपको पता है कि जो RBI है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होता है, तो ये इसके हाथ में सारे रेगुलेशंस होते हैं. तो कौन कौन से कमर्शियल बैंक है, किस किस में वो उनको रेगुलेट करता है. फर्स्ट इज लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, यस ये SLR के थ्रू लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है. सेकेंड इज ब्रांच एक्सपेंशन, थर्ड इज मर्जर ऑफ बैंक्स, फोर्थ इज वाइंडिंग अप ऑफ बैंक्स. तो अगर ब्रांच की एक्सपेंशन करनी हो या बैंक्स का मर्जर करना हो या किसी भी बैंक को बंद करना हो तो ये सारा जो इसका कंट्रोल होता है वो RBI के हाथ में होता है. तो मींस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 4, 1, 2, 3 and 4. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन. डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड ड्यू टू लॉस ऑफ. डिहाइड्रेशन क्या होता है, वाटर की डेफिशिएंसी हो जाना. तो क्या होगा इसका आंसर, फोर्थ वन वाटर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ. इलेक्ट्रिक हीटर में कौन सा एलिमेंट यूज होता है, नाइक्रोम, कॉपर, एल्यूमिनियम, नन ऑफ दिस. दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन इन द एग्जाम्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका जो आंसर है इलेक्ट्रिक हीटर में क्या यूज होता है, नाइक्रोम. नाइक्रोम जो है बेसिकली निकल क्रोमियम आयरन का अलॉय होता है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है प्लस इसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है और इट डजंट गेट ऑक्सीडाइज्ड इजीली और इसे हम रेजिस्टेंस वायर्स में यूज करते हैं. तो इसके ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से इसको हम किस में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर में यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड एक्सरेस. एक्सरेस को किसने डिस्कवर किया था. एक्सरेस जो है वो 1895 में रॉयटन जो कि जर्मनी के थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था और इसकी डिस्कवरी तब हुई थी
जब वो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपनी लैब में, तब एक्सरे डिस्कवर हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच यूनियन टेरिटरी होस्टेड द फर्स्ट एवर फूड प्रोसेसिंग यूनिट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स टू द रीजन? कौन सी यूटी ने होस्ट किया है फर्स्ट एवर, पहली बार फूड प्रोसेसिंग समिट, ताकि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4, लद्दाख। लद्दाख में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का काफी स्कोप है, या फिर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स का, जैसे कि एप्रिकॉट, सीबकथोन, एप्पल वगैरह। तो ये समिट रखा गया था ताकि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके लद्दाख एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन साइंटिस्ट हैज बीन अवार्डेड मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019? मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 कौन से इंडियन साइंटिस्ट को दिया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है साक्या सिंह सेन। ये कहाँ से है? ये नेशनल केमिकल लैब पुणे से है, और इन्हें इनके रिमार्केबल वर्क, रिसर्च वर्क जो करी गई है इन केमिकल साइंस, उसके लिए इनको ये प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया स्टार रेसलर हैज वन गोल्ड मेडल इन रोम रैंकिंग सीरीज इन 61 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी? तो हमने 61 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी में बताना है, तो 61 kg में किसको मिला है? रवि कुमार दहिया को। और अगर हम 65 kg की बात करें तो उसमें दीपक पुनिया को मिला। तो आपने इसके जितने भी अवार्ड विनिंग थे, गोल्ड मेडल जिनको मिले, तो उनके नेम आपने याद करने हैं, एग्जाम में कोई भी पूछ सकते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? इसका है ऑप्शन 4, रियो पुरगिल। और इसको रियो पुरगिल को कई बार लियो पारगिल भी बोल देते हैं, और ये कहाँ पे है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो आपने याद रखना है हिमाचल की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, रियो पुरगिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज भागसोनाग फॉल्स लोकेटेड? ये क्वेश्चन भी हम वाटरफॉल कुंड में कर चुके हैं, और वहाँ पे एक्सप्लेन भी कर चुके हैं डिटेल में। इसका जो आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन 1, धर्मशाला। भागसोनाग फॉल कहाँ पे है? धर्मशाला में है। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।